हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देते हर बात में तेरे पवित्र नाम की महिमा करते, हर बात में तेरे पवित्र नाम की जय जयकार करते। हे सनातन काल के परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु अद्भुत और सामर्थ्य और आदि अनंत काल के पिता यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। जीवित और जीवितों के मध्य में रहने वाले स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता तुम महान और अद्भुत और सामर्थ्य और आदि अनंत काल के पिता यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह पिता हर एक के लिए जो प्यार प्रभु दुख में है, तकलीफ में, पीड़ा में, हे स्वर्गीय पिता उनके जीवन में शांति छुटकार दे। राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता बहुत से हताश है, उदास है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता उनके जीवन में भी तू कार्य कर। राजा यीशु मसीह पिता तेरा धन्यवाद 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 करता हूँ। हे दया का धन्य अति पवित्र करुणा निधान विलंब से कोप करने वाला कभी न बदलने वाला वायदों का परमेश्वर शांति का राजकुमार अनंत काल के पिता यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों से आज दिन तक हम सबको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता, और भविष्य में भी तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरी कृपा में, तेरे भलाई में, तेरे प्यार में बढ़ने के लिए तू मदद और सहायता करना। राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। और हे स्वर्गीय पिता हरे को विश्वास में, प्रार्थना में, आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए तुम मदद और सहायता कर। राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। और साई शत्रु शैतान की शक्ति, दुष्ट की ताकत, सारे अंधकार की ताकत, सारे बहकाने भरमाने और दुष्ट की ताकत सब तेरे पवित्र नाम से मिट जाए। राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता जितने ने ये प्रार्थना सुन रहे प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता हरेक के जीवन में तू कार्य करना राजा यीशु, और हरेक के बंद द्वार तेरे पवित्र नाम से खुल जाए। राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। और हरेक को विश्वास में, प्रार्थना में और तेरी इच्छा और आत्मिक जीवन जीने के लिए तुम मदद और सहायता करना राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता तो हरेक को दया की आत्मा दे, हरेक को तरस की आत्मा दे, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, तेरी इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जी सके। और हे स्वर्गीय पिता जैसे तेरे पवित्र वचन में लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से हरेक स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे स्वर्गीय पिता हरेक को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता करना राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता तो अनुग्रह कर, दया कर राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी तेरे दास दास है प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता उन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्यार प्रभु। हर एक जहाँ कहीं भी जाए प्यार प्रभु तेरे पवित्र वचन सिखाने समझाने के लिए तुम मदद और सहायता करना प्यार प्रभु यीशु। ऐसा अनुग्रह ऐसी दया ऐसी कृपा ऐसी भलाई हर एक के जीवन में होने दे राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। और जब कभी भी तेरे पवित्र वचन सिखाए समझाए प्यार प्रभु कोई भी रुकावट डालने वाली आत्मा ना आए पिता, लेकिन जो भी तेरे पवित्र वचन बताए प्यार प्रभु उनके हृदय में वो पवित्र वचन अधिकाय से कार्य करने वाले बने। ऐसे अनुग्रह से दया ऐसी कृपा ऐसी भलाई को होने दे राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। और वो आत्मा अनंत जीवन पाने वाले बने राजा यीशु मसीह पिता। ऐसे अनुग्रह से दया ऐसी कृपा ऐसी भलाई को हम सबके जीवन में सबके साथ होने दे राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता तेरा पवित्र वचन कहता है कि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा बोलते है प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह पिता, बहुत से मेरे पास कमेंट करते राजा यीशु मसीह पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह पिता। उन हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता। प्यार प्रभु बहुत से लोग दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है प्यार प्रभु, उनके जीवन में शांति छुटकार दे राजा यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आपका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और अद्भुत युक्ति करने वाला और अनंत काल का पिता कहलाएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह पिता तेरे पवित्र नाम में सामर्थ्य है, छुटकारा है, अनंत जीवन है। हे स्वर्गीय पिता हर एक के जीवन में यह कार्य होने दे और हर एक के बंद द्वार तेरे पवित्र नाम से खुल जाए, और हर एक को विश्वास में, प्रार्थना में और आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए तुम मदद और सहायता कर। हे स्वर्गीय पिता आपने कहा है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए
एक सहायक भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हें हर एक बातें सिखाएगा और परमेश्वर की गूढ़ बातें तुम्हें सिखाएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह पिता हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में वह सत्य का आत्मा भेज, ताकि तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार चल सके और पवित्र जीवन जी सके। ऐसा अनुग्रह से दया से कृपा से भला हर एक जीवन में होने दे। राजा यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर के पिता हरे को प्रार्थना करने का मन दे, हरे को तेरे पवित्र वचन के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता कर, और साई सूत्र शैतान की शक्ति दुष्ट की ताकत और बहकाने भरमाने वाले शैतान की चाल तेरे पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। राजा ईश्वर तेरा धन्यवाद 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 करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों से जूझ रहे प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता, उन हर एक बीमारियों से तू आजाद कर स्वतंत्र कर प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता, और वो तुझे जानने वाले और तुझे मानने वाले और तेरे सामने घुटने टेके प्रार्थना करने वाले बने। तो ऐसा हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु यीशु मसीह पिता, तेरा धन्यवाद 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 करता। तेरा पवित्र वचन कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। सच में प्रभु यीशु मसीह पिता हर एक आत्मा प्रार्थना करने वाले बने, और हे स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जीवन में तू कार्य कर। राजेश्वर धन्यवाद 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 करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता हर एक आत्मा और सच्चाई के साथ तुझे धन्यवाद देने वाले, तुझे धन्य कहने वाले बने और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। ऐसा अनुग्रह दया से कृपा से भलाई हर एक के जीवन में होने दे। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ। तो सत्य का आत्मा भेज राजा श्रोत्रा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते, सारी बातों में तेरी प्रशंसा करते, सारी बातों में तेरी जय जयकार करते। राजा श्रोत्रा धन्यवाद 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 करता हूँ। हे ईश्वर के पिता तू महान और पवित्र और पराक्रमी अद्भुत और सामर्थ्य और आदि अनंत काल के पिता यीशु का धन्यवाद 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 करता हूँ। हे ईश्वर के पिता जितनों ने प्रार्थना सुन रहे प्यार प्रभु, उन हरेक के जीवन में तू कार्य कर। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ। उन हरेक के जीवन में तेरी पवित्र सामर्थ्य और अभिषेक को उंडेल दे राजा श्रो, ताकि उनके जीवन से सारी समस्या सारी मुसीबत तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए और हरेक तेरे पवित्र नाम के आगे घुटने टेकने वाले बने। प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता उनके जीवन में सारे अंधकार की ताकत दुष्ट की ताकत अंधकार की ताकत तेरे पवित्र नाम से मिट जाए। राजा यीशु मसीह पिता तेरा धन्यवाद करता। हे दयालु पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता आपने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा कर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में लाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार प्यार प्रभु बहुत सी आत्माएं प्यार प्रभु अभी तक आपका पवित्र वचन जानने रहे आपको मानने रहे प्यार प्रभु, उनके जीवन में भी तू कार्य कर। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ। और हर एक आत्मा उद्धार पाने वाले बने और प्यार प्रभु स्वर्गिक राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस कार्य को होने के लिए तुम मदद और सहायता कर। राजा श्रोत्रा धन्यवाद 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 करता हूँ। हे स्वर्ग पृथ्वी आसमान में विराजमान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्ग पिता बीते दिनों से आज दिन तक हम सबको संभाल के रखा सुरक्षित रखा प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता, आगे भी हमें संभाल के और सुरक्षित रखना। राजा श्रोत्रा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। हर बातों में तेरे पवित्र नाम की महिमा करते, हर बातों में तेरे पवित्र नाम की जय जयकार करते, हर बातों में तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर के पृथ्वी आसमान को बनाने वाला जीवित और जीवितों के मध्य में रहने वाले स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर के पिता मैं प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु मसीह पिता तेरे पवित्र वचन को सीखने समझने के लिए हरेक को बुद्धि और समझ को खोल दे, ताकि हरेक तेरे आज्ञाओं के अनुसार चल सके और तेरे पवित्र वचन सीख कर और समझ कर और आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले बने और तुझे बहाने वाले बने। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ। जैसा प्यार प्रभु यीशु मसीह पिता रोमियो 12 का 1 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलते हैं प्यार प्रभु उसी प्रकार प्यार प्रभु सारे विश्वासी जन सारे तेरे तुझे चाहने वाले और तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले प्यार प्रभु ऐसी अनुग्रह से दया ऐसी अनुग्रह ऐसी कृपा ऐसी बढ़ाए हर एक के जीवन में होने दे। राजा श्रोत्रा धन्यवाद करता हूँ।
ईश्वर के पिता हर एक प्रार्थना का जीवन जीने के लिए मदद और सहायता कर, हर एक को आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर, हर एक को ज्ञान और वरदानों से भर दे प्यार प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ हे स्वर्गीय पिता, जैसा हम चाहे वैसा नहीं लेकिन जैसा तू चाहे वैसा हमारे जीवन से तू कार्य के वो महिमा ले राजेश। तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में तुझे धन्यवाद देता हूँ राजेश मसीह पिता। हमारे टूटी फूटी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद राजेश मसीह पिता। आदर इज्जत महिमा गुरु सम्मान तरफ से तुझे देते राजेश। तेरा धन्यवाद 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 करता हूँ। बीते दिन ये 7 दिन तक हम सबको संभाल कर रखा, सबसे सुरक्षित रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना देने को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।